Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं EXT Production. आज हम बात करेंगे हंटेड मेंटल असाइलम की, जो कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में वाक़ है. ये 150 साल पुराना पागलखाना है और एशिया का सबसे बड़ा पागलखाना कहलाता है. 1865 में बनाए जाने वाला ये पागलखाना, जिसका एक बड़ा हिस्सा एक अरसे से खाली कर दिया गया है. यूं तो ज़्यादातर अक्सरियत लोगों का मानना है कि ऐसी जगहों पर मर्डर वगैरह हुआ हो तो भूत आत्मा वगैरह का बसेरा ज़्यादा होता है, पर हमारा मानना यह है कि इसकी एक अहम वजह जादू टोना, चिल्लाकशी, जिसकी वजह से ये चीज़ें इस जगह पर हावी हो जाती हैं. इस पागलखाने में मौजूद वार्ड नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड करार दिया गया है, इस वार्ड में बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं. पर याद रहे, ये वार्ड अब एक अरसे से बंद है और यहाँ पर अब कोई नहीं रहता. पर उसके बावजूद इस जगह पर रात में पागलों के चीखने की आवाज़ें वादे तौर पर सुनाई देती हैं. इस वार्ड में बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम किस्म के पागलों को रखा जाता था, जो कि यहाँ पर एक दूसरे का कत्ल भी कर देते थे, जिसके बाद इस जगह को बंद कर दिया गया. और आज भी इस वार्ड में बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोगों को तो ये चीज़ें वादे दिखाई देती हैं. इस पागलखाने में एक दरख भी वाक़ है, जो कि अब तो सूखा हुआ है, पर एक अरसे पहले यह हरा भरा होया करता था. यहाँ पर काजल नाम की लड़की ने लटक कर सुसाइड कर ली थी. जी हाँ, अंग्रेज़ों के दौर में एक अरसे पहले यहाँ पर काजल के साथ बलात्कार किया गया था, जिसके बाद काजल ने यहाँ पर लटक कर सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद ये दरख्त सूखा का सूखा पड़ा है और आज भी उसकी रूह यहाँ पर भटक रही है. पाकिस्तान की मशहूर घोस्ट हंटिंग टीम वो क्या है ने इस पागलखाने की इन्वेस्टिगेशन की. उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी आवाज़ें वादे तौर पर सुनी गईं, जैसा कि पागलों का चीखना, जंजीरों में जकड़ना और औरतों की आवाज़ें वादे तौर पर सुनी गई थी. और उनकी तस्वीरों और वीडियोस में भी वादे तौर पर कुछ शेडो ऐसे दिखे गए, जिनके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये पागलखाने का काफ़ी हिस्सा भूत खाने में तब्दील हो गया है. तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और EXT Production को सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल को ज़रूर बजाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें. शुक्रिया.